परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक्चुअली अरेंजमेंट का नाम है। आपने अरेंज किस तरह करना है, मेरे पास ये तीन बोर्ड मार्कर हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। इन्हें मैं कितनी पोजीशन में अरेंज कर सकता हूँ, मेरे रूम में डिफरेंट चीजें हैं, उन्हें मैं कितने अंदाज से सेट कर सकता हूँ, मतलब खूबसूरती का नाम है। बहुत आसान से टॉपिक है, बहुत मजे का टॉपिक है, आपको मजा आने वाला है। मैं हूँ सर मुशायर हैदर, आए बिस्मिल्लाह करते हैं। में एक फॉर्मूला आता है जो मोस्टली और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें परम्यूटेशन तक जाने नहीं देता, हमारे मसले पहले हल कर देता है। फॉर एग्जांपल उसका नाम है सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसमें होता यूं है कि आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाते हैं। ये फॉर्मूला काफी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, व्हेन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट मालूम करनी हो और वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो हम मल्टीप्लिकेशन फार्मूला यूज करते हैं और उन्हें सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फाइव शर्ट्स एंड सेवन पैंट्स, फाइव शर्ट्स एंड सेवन पैंट्स है, हाउ मेनी टाइम डिफरेंट आउटपुट्स यू कैन मेक। मेरे पास अगर पांच शर्ट्स हैं और सात पैंट्स हैं तो उनमें कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ शर्ट पैंट्स है, तो मतलब ब्लू शर्ट है, ग्रीन शर्ट है, येलो शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, व्हाइट शर्ट है, इस तरह सेवन डिफरेंट कलर्स में पैंट है, मैं कितने अंदाज में डिफरेंट स्टाइल में ये पैंट शर्ट पहन सकता हूँ। इसका सिंपल फार्मूला है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 7 × 5 = 35। मेरे पास 35 पॉसिबल आउटफिट्स हैं, तरीके हैं, अरेंजमेंट्स हैं, स्टाइल है, मैं डिफरेंट शर्ट्स के साथ पहन सकता हूँ। अगर अब मेरे मुझे 4 कैप्स भी दे दी जाती हैं, मतलब रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, उसे भी मैंने इनके साथ अरेंजमेंट करके पहनना है और मेरे पास कितने पॉसिबल डिफरेंट आउटपुट्स हो सकते हैं। मेरे पास 7 पैंट्स थी, 5 शर्ट्स थी और अब 4 कैप्स हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें 35, 35, 70 और 71, 40, आपके पास आउटपुट आ गए, मैथ स्टाइल्स आ गए। तो याद रखिएगा, परम्यूटेशन पे जाने से पहले हम देखें अगर वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, एक शर्ट है, एक पैंट है, हैट्स है। अगर वो हमसे ये पूछता पांच शर्ट्स हैं, पांच शर्ट में से मैं कितनी पहनूं, कितने यहां पहनूं, फिर यहां कॉम्बिनेशन आ सकता है, फिर यहां परम्यूटेशन आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, जैसे शर्ट और पैंट्स का रिलेशन बनाया गया, शर्ट्स पैंट और हैट्स का रिलेशन बनाया गया, जब टोटली चीज डिफरेंट होगी तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब हम परम्यूटेशन पे आते हैं। देखें, जब हमें ऑर्डर या अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी हो, मतलब ये तीन चीजें हैं, इन्हें मैं कितनी पोजीशन में अरेंज कर सकता हूँ, एक पोजीशन ये होगी इसे मैं पहले रख दूं, एक पोजीशन ये होगी कि मैं इसे पहले रख दूं, एक पोजीशन ये होगी मैं इसे पहले रख दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो परम्यूटेशन ही आपको अरेंजमेंट बताती है कि कितनी अरेंज मेथड में आप अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए बी सी है, मैं इसे 6 तरह अरेंज कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ ए बी बी सी सी ए। अब ए बी तो लिखा था, ए बी कुछ और था, मैं बी ए भी तो लिख सकता हूँ, ए बी था अब बी ए हो गया, पहले बी सी था अब सी बी हो गया, पहले सी ए था अब आपके पास ए सी हो चुका है। कहने का मकसद ये है, ये ए बी कुछ और चीज है, बी ए कुछ और चीज है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए बी का और ऑर्डर है, बी ए का और ऑर्डर है, या डेफिनेटली ए पहले आया हुआ है, बी बाद में आया हुआ है, या बी को फर्स्ट पोजीशन मिल गई है, ए को सेकंड पोजीशन मिल गई, यहाँ तो एक नंबर भी ऊपर नीचे हो जाए धमाका पड़ जाते हैं, यहाँ तो पोजीशन ही चेंज हो गई है, बेचारे पहले और दूसरी पोजीशन पे आ चुके हैं। तो परम्यूटेशन कहते नहीं, ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ऑर्डर को पहले रखना है। तो यानी कि परम्यूटेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसके अगर फर्स्ट पोजीशन है तो यही फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ए और बी दोस्त हैं, या अगर ए की फर्स्ट पोजीशन आई है तो अभी मैं एक और अरेंजमेंट लिखता हूं, वहां पहले बी लिख देता हूं, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे उसे लिख देता हूं। नो 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 नो,
परम्यूटेशन में अरेंजमेंट ऑर्डर, ऑर्डर भी तरतीब को कहते हैं, अरेंजमेंट भी तरतीब को कहते हैं, वो मैटर करते हैं, जो पहले है वो पहले रहेगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं, परम्यूटेशन को पी से जाहिर करते हैं और इसका फॉर्मूला है एन पी आर, पी परम्यूटेशन, एन नंबर ऑफ आइटम्स और आर भी है नंबर ऑफ आइटम। एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, आपको जितनी आपको कहेगा कि आपके पास 10 बुक्स हैं, टोटल 10 बुक्स हैं आपके पास, एन है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। और आर क्या है, वो आपसे कहेगा आपने फिजिक्स और मैथ की जो बुक्स है ना उसको आपने अरेंज करना है, तो आर टू हो गया। एन होगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और आर होगा जितने आप आइटम्स को सिलेक्ट करें आप उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दूं आपको समझ आ जाएगी। देखें इसी चीज को मैंने क्वेश्चन बता दी, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एबीसी व्हेन टेकन टू एट द सेम टाइम। क्वेश्चन मैंने फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एबीसी, टोटल आइटम्स कितने हैं, 3 हैं, एन इज इक्वल टू 3 हो गया, और हम कितने में इंटरेस्टिंग है डील करने में, 2 में, तो आर 2 हो गया। देखें यहां भी हम ए बी सी भी लिख सकते थे लेकिन सिर्फ हमने दो दो लिखे थे, तो मैंने दो में इंटरेस्टेड हूं तो दो लिख दिया। अब फार्मूला देखें, फार्मूला था एन पी आर, एन कितने, एन हमारे पास 3 है, पी और आर कितने, आर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले इस तरह हो, तो n का फैक्टोरियल n 3 है, 3 का फैक्टोरियल, फिर आपने n माइनस r का फैक्टोरियल लेने, n 3 है माइनस n 3 है और r 2 है और इसका फैक्टोरियल हम लेंगे, तो ऊपर आएगा 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 माइनस 2 1, 1 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है, हमें इसकी भी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर हम आगे चलना चाह रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल ये भी मजे की चीज है, मैथमेटिशियन अपनी जान छुड़वाने के लिए ना पता नहीं कैसी कैसी चीजें ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिशियन अगर किसी जगह मैथमेटिशियन को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता 5, 4, 3, 2, 1 तो वो कहते हैं यार जान छुड़वाओ, इसकी जगह आप लिख लो जस्ट 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 और उसके प्रीवियस जितने एक तक जितने भी आते हैं आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह अगर 4 फैक्टोरियल पूछा जाए तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल का कितना आंसर आएगा दूसरे वर्ड में, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 और 1 = 124। तो 4 फैक्टोरियल ये हो गया। अब देखिए अगर 6 फैक्टोरियल को मैं यूं लिख सकता हूं 6 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे या मैं इसे यूं लिख सकता हूं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, एक ही बात है, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल था ना, तो फैक्टोरियल की आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, जिसके साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है उसका मतलब है उससे पीछे जितने भी 1 तक डिजिट है आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उनका आंसर लिख दो। अब आपने फैक्टोरियल समझ लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 3 × 2 × 1 और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 × 2 = 6। ये हमें परम्यूटेशन बता रही है कि 3 अगर एबीसी हो तो उनकी 6 पोजीशन पॉसिबल हैं। देखिए हमने ऊपर कितनी निकाली हुई है, हमारे पास 3 थे हमने 2 लिए तो मैं 6 पोजीशन निकली है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वही जब हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज किया हमारे पास 6 आंसर आ गया है। गॉट इट। देखें If you have to arrange 8 people in 8 seats, how many sequence of their sitting arrangements are possible? Arrangement हम बताते थे, हम order बताते थे ना, total people कितने हैं? आपके पास 8 हैं, तो n की value क्या आ गई? 8 आ गई, और आपने कितने लोगों को select करना है? वो भी 8 है। मैंने आपको कहा था R है selected, जितने हम item को select करें और n होते हैं total, टोटल भी 8 है, उन्हें सिलेक्ट भी 8 को कर रहे हैं, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एन पी आर, एन 8 है, पी और आर 8 है। अब इसे अगर सॉल्व करें एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस एन आर फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1
और 8 - 8 factorial 0 factorial, याद रखिएगा 0 factorial 1 के इक्वल होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब ये इस 0 factorial 1 के इक्वल है तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूं और आप इसको हाथ से कैलकुलेट कर लें, जो आंसर आएगा वो है इसकी पॉसिबल डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे। अब एक न्यू क्वेश्चन करते हैं, वो ये है, देयर इज 3-डिजिट लॉटरी टिकट। हम लॉटरी लेते हैं ना, लॉटरी उसमें 3-डिजिट, मतलब उस लॉटरी में 3 डिजिट आ सकते हैं। डिजिट हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 0 to 9 विदाउट रिपीटेशन, फाइंड अरेंजमेंट। उसने हमें कहा है 0 से 9 तक आप डिजिट चुन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, ये टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके पास n की वैल्यू 10 आ गई, 0 से 9 तक 10 डिजिट बढ़ते हैं। और आप कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉटरी 3 डिजिट की है, मतलब सिलेक्ट आप जितने आइटम्स कर सकते हैं वो 3 होता है। आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगा दें, n p और r, अब आप इसे सोल्व करें, n फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब आप इसे लिख सकते हैं 10 × 8 × 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल लिख लें या मुकम्मल लिख लें, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, 7 - 3, 10 - 3, 7 और उसका फैक्टोरियल। अब देखें, बजाय इसको मैं ये 7 factorial 7, 6, 4 लिखूं, मैं जब 7 factorial लिख देता हूं इसको, इससे काट देता हूं, आपके पास आ जाते 10 × 9 भी तो आना है, 10 × 9 × 8 7, 8, 9, 72 और 10, 720। अगर इन 10 में से इन 3 डिजिट को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास पोजीशन बनती है 720। पोजीशंस में हम ये नंबर्स अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने जहन में रखना है ये विद आउट रिपीटिशन है। अगर विद रिपीटिशन आपको लॉटरी के टिकट ढूंढना पड़े या अरेंजमेंट ढूंढनी पड़े तो फार्मूला चेंज हो जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ फार्मूला ही चेंज हो रहा है। अब इस तरह के आपने जब क्वेश्चन देखने हैं तो फार्मूला आपने ये यूज करना है। ये कहते हैं अगेंस्ट योर एटीएम कार्ड यू हैव टू जनरेट 4-डिजिट कोड, हाउ मेनी पॉसिबल ऑप्शंस आर चूज फ्रॉम। आपने आपकी जॉब खो गई है, आपका बैंक अकाउंट बन गया है, आपने अप्लाई किया है और आपको अब एटीएम कार्ड मिला है, और एटीएम कार्ड जब मिला है उसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है और उसमें कहा गया कि जी आप अपने बताएं आप क्या कोड लगा सकते हैं, आपने 4-डिजिट कोड बनाना है। हमसे ये पूछा गया है कि चले 4-डिजिट कोड तो बनाना है, लेकिन कितने पॉसिबल कोड्स बन सकते हैं। देखें, पहले हमें अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए हमें n का मतलब n मालूम होता था, हमें r भी मालूम होता था, यहां हमें n r नहीं बताया, जस्ट उसने एक सिंपल बात बता दी, 4 डिजिट हैं, आप उसे कंप्लीट करें, आप कितने पासवर्ड बना सकते हैं। देखें, मैं इसमें 1 लगा सकता हूं, 1 से 10 कुछ भी पुट कर सकता हूं, मैक्सिमम 10 तक डिजिट होते हैं ना, इसमें भी 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, वो 10 हो जाएंगे। यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी 0 9 से कुछ तक, यहाँ भी 0 से 9 के दरमियान कुछ भी पुट कर सकता हूँ ना। तो अब मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं, 10 × 10 × 10 × 10 ये बनेगा 1, 2, 3, 4 10,000 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। जो आपको पहली दफा जॉब के बाद एटीएम कार्ड मिला है उसे आप 10,000 ऑप्शंस हैं, उस हवाले से आप उसे फिल कर सकते हैं। अच्छा, जो अब मैं परम्यूटेशन का क्वेश्चन करने लगा हूं, ये भी बहुत मजे का है, क्योंकि ये भी बहुत आता है। वो आपको कोई वर्ड दे देता है और कहते हैं बताओ कि इस वर्ड को मैं कितनी तरह से रीअरेंज कर सकता हूं, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द वर्ड मिसिसिपी कैन बी अरेंज। ये एक वर्ड है, इसे मैंने अरेंज करना है, मैंने किसे इसे अगर आपसे कोई वर्ड्स पूछ ले और कहे कि आप इसे किस तरह अरेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये है। देखिए, ये वर्ड्स है ना, ये एस भी हैं, पी भी हैं और रिपीट हो रहे हैं, पहले हम ना इन्हें एक अरेंजमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। एम वन टाइम है, वन टाइम आपने एम लिख लिया,
आई कितने टाइम है, एक दफा आई 1 2 3 4, फोर टाइम आई है तो आपने 1 2 3 4 फोर टाइम आई लिख दिया। अच्छा अब एस कितने टाइम है, 1 2 3 4, फोर टाइम ही एस है, 1 2 3 4, फोर टाइम एस हो गया है। अब आप देखें आपके पास पी कितने टाइम है, अच्छा यहाँ पी कितने टाइम है, पी है 1 और 2 टाइम, 1 और 2 टाइम, ये टोटल 11 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए जो वर्ड्स थे उसे मैंने यूं लिख दिया। अगर आपसे पूछे ना वर्ड्स को कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं, तो उसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये होता है वर्ड्स का, यहां लिखे ये टोटल कितने वर्ड्स थे, ये टोटल 11 वर्ड्स थे, 11 का फैक्टोरियल, और नीचे ये जितने वर्ड्स हैं उनका आप फैक्टोरियल लिख दें। ये m 1 था तो m की जगह 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, i 4 था तो i की जगह 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये s 4 टाइम था तो s की जगह 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और p 2 टाइम था तो p की जगह 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं, जब आपको कोई वर्ड्स दिया जाए और वर्ड्स में जो लव जितनी बार रिपीट हो रहा है आप उसे उतनी बार लिखते हैं। मिसेस पी में एम 1 टाइम था, 1 टाइम लिख दिया, आई 4 टाइम था, तो इस तरह हमने कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 11 फैक्टोरियल भी लिख रहा हूँ, 11 × 10 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 4 ने नीचे से कैंसिल कर देना है। ये है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आना होते, इसे लिखें या लिखें। ये है 4 फैक्टोरियल, एक ये 4 फैक्टोरियल इसे काट देगा, इस ये जो ये वाला 4 फैक्टोरियल इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 4 × 3 × 2 × 1, और इस 2 फैक्टोरियल की जगह भी आ जाएगा 2 और 1। अब आप इन्हें सॉल्व करें, 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 2 4, ये कट गया। इसी तरह आपने 3 1 3 3 3 2 6, ये भी आपका कट गया, बाकी आपका रह गया 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 5 10, ये नीचे वाले जितने भी होंगे वो कट जाएंगे मोस्टली। अब आप जो रिमेनिंग है आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा उतने वे में आप वर्ड मिसिसिपी को अरेंज कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, देयर इज अ 3-डिजिट लॉटरी टिकट, डिजिट हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 0 to 9 विद रिपीटेशन। यही क्वेश्चन हमने याद किया था, मैंने आपसे कहा था विदाउट रिपीटेशन है, अगर विदाउट रिपीटेशन हो आपने सिंपल उसी फॉर्मूले को एनपीआर से सॉल्व कर देना है। अगर विथ रिपीटेशन आ जाए तो तब आप क्या करेंगे, तब आप ना अपना दिमाग यूज करेंगे, माइंड यूज करेंगे। आपके पास 3-डिजिट लॉटरी है, आपके पास टोटल एन कितने हैं, एन आपके पास 10 है, 0 से 9 10 बनते हैं, और आर आपके पास 3 है। अब विथ रिपीटेशन का मतलब है कि अगर आपने एक बार या एक बार अगर आप 10 आपने यू एक बार अगर आपने 9 यूज कर लिए है, मैं यहां से आपको बताता हूं कहां था ये, यहां से आपको रिपीटेशन बल्कि इधर ही से बता देता हूं। आपके पास डिजिट थे 1 0 से लेकर 9 तक, रिपीटेशन का मतलब ये है कि एक बार अगर आप 9 यूज कर ले तो यहां दोबारा 9 यूज कर सकते हैं, यहां दोबारा 9 यूज कर सकते हैं, एक बार यहां 8 यूज कर लें तो दोबारा यहां 8 यूज कर सकते हैं। लेकिन जबकि इस क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन का मतलब था जो आप लॉटरी का नंबर अगर आपने 5 लगा दिया है तो अगली बार आपने 5 को छोड़ के कोई और लगाना है, या अगर फर्स्ट में 4 लगा देते हैं तो अब यहां आपने 5 और 4 को इग्नोर करके कोई और लगाना है, यहां वर्ड्स रिपीट नहीं होते थे और यहां वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अगर वो आपको लॉटरी वाला कोई भी क्वेश्चन है और आपको साथ है कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप यही जो हमने एटीएम वाला क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई किया है वो करेंगे। देखें यहां 10 आ सकते हैं, 0 से 9 में से आप कोई भी पुट कर सकते हैं, यहां भी 0 से 9 में आप कोई भी पुट कर सकते हैं, यहां भी आप 0 से 9 में से कोई भी पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के।
अगर आप यहाँ जीरो पुट करेंगे तो टू डिजिट लॉटरी बन जाएगी, हमें उसने कहा है थ्री डिजिट लॉटरी चाहिए। अगर आप जीरो पुट ना करें, जीरो को अगर इग्नोर कर दें, फिर वन से लेकर नाइन तक नाइन बचते हैं तो फिर कितना आ जाएगा नाइन। अगर वो ऐसे वन से लेकर नाइन तक होता कुछ और था। देखिए हमने एटीएम का कोड नंबर जनरेट किया है क्योंकि हम वहां लगा सकते हैं, हम मतलब 0125 ये भी एक एटीएम का कोड है, जीरो की यहाँ वैल्यू होती है। लेकिन लॉटरी में अगर आप जीरो फर्स्ट पुट कर देंगे आपके डिजिट ही टू बच जाएंगे, तो फर्स्ट डिजिट में जीरो के अलावा बाकी आ सकते हैं, जीरो नहीं आ सकता। तो यहां अगर रिपीटिशन आ जाए तो आप किस तरह सोल्व करेंगे, 9 × 10 × 10, अब आप इसे 100 और 9 900, तो 900 आपका आंसर है। मैं यहां तक आपको जो कुछ किया है फिर से बता देता हूं। एन और आर को ढूंढते हैं, वहां सॉल्व कर देते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए लॉटरी वगैरह कुछ भी और आपको कह दे कि विदाउट रिपीटिशन है, यहां रिपीट चीजें नहीं हो रही, तो आप कोई परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर वो एन और आर क्लियर ना करे, सिर्फ आपको कहे कि डिजिट है आप इसे प्लेस करें, तो सिंपल आपने उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अगर वो आपको वर्ड देते कहे कि आपने इसे अरेंज किस तरह करना है, तो आपने पहले उसे इस तरह लिखना है कि तमाम वर्ड्स आपस में और टोटल जितने वो लव्स हैं, या टोटल 11 है तो 11 से टोटल एम और पी तक 11 है, और बाकी जो जितनी बार रिपीट और उसे लिख देंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर वो इक्वेशन जो हमने परमुटेशन में किया है, अब वो अगर वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस बार वो कह रहा है विद रिपीटिशन, आपने देखना है क्वेश्चन में विदाउट रिपीटिशन है या विद रिपीटिशन है। अगर विद रिपीटिशन आ गया तो आप परमुटेशन वाला यूज नहीं कर सकते। अब आपने देखना है कि आपको जितनी पोजीशंस दी हुई हैं उस पोजीशन पे आप किस तरह अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये बात समझ चुके हैं मेरी, तो आपने ये मुझे क्वेश्चन करके देना है। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी परफॉर्म फ्रॉम the digit 2, 3, 5, 6, 9 which is divisible by 5 and none of them digit is repeated। क्वेश्चन समझा देता हूं, आंसर आपने करने हैं। ये इन इन नंबर्स में से वहां हमने 0 से 9 में देखना था, यहां उससे 2, 3, 5, 9 में देखना है। उसने कहा हमने 3 डिजिट बनाना है, इस तरह बनाना है कि जो जो भी डिजिट बनाए वो एंड जो भी हम डिजिट बनाए वो 5 पे डिविजिबल होता हो। तो हम क्या करेंगे, यहां हम 2 डिजिट फिक्स करेंगे, या हम 0 पुट करेंगे या हम 5 पुट करेंगे, और यहां हम बाकी की अरेंजमेंट देख सकते हैं। बाकी अब इतना काफी है, आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस जिसके एंड में 0 है या 5 है वो 5 से डिविजिबल होता है। आपने सक्सेसफुली परमुटेशन कर ली है, अब हम कॉम्बिनेशन करने लगे। अगर परमुटेशन भी अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? परमुटेशन में हम ऑर्डर देखते हैं या हम ग्रुप देखते हैं, समझ आ जाएगी जब हम आगे चलेंगे। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। परमुटेशन में हमने कहा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी सी अगर ए बी सी है तो वो ए सी बी के बराबर नहीं होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। कंबिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। कंबिनेशन कहता है ये चीज और ये चीज सेम है, कॉम्बिनेशन ग्रुप में देखते हैं। कॉम्बिनेशन कहते हैं चाहे यार, कॉम्बिनेशन वाला कहता है मेरी क्लास के दो बच्चे थे ना, मेरे स्कूल की पोजीशन आई है ना, चाहे ये पहले हो या ये हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो स्कूल के लेवल पे देख रहा होता है, बाकी तो किसी स्कूल के पोजीशन नहीं आए। तो कॉम्बिनेशन एक ग्रुप में, एक ग्रुप के अंदर से देख रहा होता है, हाँ मेरे ग्रुप मेरे बच्चों में से आंसर आया तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कहता है ए मेरा ही बंदा हो, चाहे ए बी हो चाहे बी बी ए हो, मेरे बंदा ही हो, तो ये सेम है। कॉम्बिनेशन में ए बी सी सेम है ए सी बी के या बी सी ए से के, क्यों? क्योंकि ये भी उसी का ग्रुप है, ये भी उसी का ग्रुप है। कॉम्बिनेशन कहता है मैं ग्रुप बनाऊंगा, जो आंसर है मेरे ग्रुप में है वो कॉम्बिनेशन है। मजीद क्लियर होगा जब हम आगे करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, अगर कॉम्बिनेशन को सी से जाहिर करेंगे, एन वही टोटल नंबर जो हमें गिवन होंगे और आर जो हमने सिलेक्ट करने हैं, तो फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट है। वो था एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल।
कम्बिनेशन में हमें वो ग्रुप देता है, ग्रुप की बात करता है, कमेटी की बात करता है, असेंबली की बात करता है, गैदरिंग की बात करता है। मोस्टली जब कम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा आप इनमें से कोई टर्म्स देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये ग्रुपिंग की बात हो रही है तो मतलब कम्बिनेशन की बात है। फर्दर सॉल्व करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एबीसी व्हेन टेकन इन ग्रुप ऑफ टू, हाउ मेनी पॉसिबल ग्रुप्स आर। वही क्वेश्चन है, पहले हमने इसे परम्यूटेशन पे किया था, अब हम इसे कम्बिनेशन पे कर रहे हैं। अगर हम आप इसे सॉल्व करें, टोटल एन सी है, आर आपके पास टू है और आपने कम्बिनेशन देखने हैं, थ्री सी था, कम्बिनेशन आर टू है। अब इसे आप फॉर्मूलाज लगाएं, थ्री फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल कितना है, आर आपके पास टू था, टू फैक्टोरियल, और एन माइनस आर कितना है, एन थ्री और आर टू। अब आप इसे सॉल्व करें, थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल को हम यू लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई वन, और थ्री माइनस टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल आता है, और वन फैक्टोरियल मैंने आपको कहा है कि वन के इक्वल है, याद रखना, याद रखिएगा, जीरो फैक्टोरियल भी वन के इक्वल है और वन फैक्टोरियल भी वन के इक्वल है। अब आप थ्री को लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, और इसे लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई वन, टू टू से कैंसिल, वन वन से कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास थ्री। अब आप देखें ये कॉम्बिनेशन वाला कह रहा है, अगर आपके पास ए बी सी है तो आप उन्हें थ्री डिफरेंट पोजिशन में बना सकते हैं, ए बी, बी सी और सी ए, बस आप तीन पोजीशन में बना सकते हैं। लेकिन जो आपका परमुटेशन था वो कहता था जी बी ए भी बनता है, सी बी भी बनता है, ए सी भी बनता है, ये कहते हैं नो, दीज आर सेम, दीज आर सेम, दीज आर सेम। तो आपको आई गेस आइडिया हो गया होगा कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन कहता है ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है लेकिन ग्रुप वही होना चाहिए। कहता है ये वही ग्रुप है, ये वही ग्रुप है, जो इसमें ग्रुप में लोग हैं वो इसी ग्रुप में लोग हैं, जो इसमें है वो इसी में, तो ये हमेशा ऑर्डर देख रहा होता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देर आर फोर इंप्लॉयज, फोर इंप्लॉयज का मतलब है कि एन की वैल्यू आपकी फोर हो गई, हसन, अहमद, फुरकान एंड उमर। कंपनी वांटेड टू ग्रुप, आप देख रहे हैं ग्रुप का वर्ड आ गया, यहां भी देख रहे हैं ग्रुप का वर्ड आ गया था, ग्रुप के वर्ड की वजह से हमने कंबिनेशन लगाया। कंपनी वांटेड टू ग्रुप इनटू टू फील्ड ऑफ वर्क, आर की वैल्यू उसने आपको टू दे दी है, टोटल फोर थे, आर की वैल्यू आपको टू दे दी। अब आप सॉल्व कर लें, आपके पास कंबिनेशन का फॉर्मूला है, एन की वैल्यू फोर और आर की वैल्यू टू है, कंबिनेशन का फैक्टोरियल फॉर्मूला है फोर फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आप सॉल्व करें इसे, मैं इसे लिख सकता हूं फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू का फैक्टोरियल, इसे मैं लिख सकता हूं टू का फैक्टोरियल, और फोर माइनस टू टू का फैक्टोरियल, ये भी टू का फैक्टोरियल बन गया, इनमें से ये कैंसिल हो गए, और अगर ये टू फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं टू मल्टीप्लाई वन, टू वन द टू, टू टू द फोर, ये आपके पास आ गया सिक्स। आंसर है कि अगर जो चार इंप्लॉयज हैं उन्हें डिफरेंट सिक्स पोजीशन में फील्ड ऑफ वर्क के हवाले से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ये आपका सर्कल है, कॉर्ड्स होता है सर्कल की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस, एक कॉर्ड्स के लिए कितने आपके पॉइंट्स चाहिए, टू पॉइंट्स होंगे तो एक कॉर्ड बनेगा, अगर यहाँ आपके पास पॉइंट्स होंगे तो कॉर्ड यहाँ बन जाएगा, अगर यहाँ दोनों के पॉइंट्स हैं तो कॉर्ड यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन में आपको बताया गया कि सर्कल के ऊपर टोटल 21 पॉइंट्स हैं, अगर 21 पॉइंट्स हैं तो बताएं कितने कॉर्ड्स बनेंगे, एन उसने आपको बता दी है 21 और आर आपको पता है आर टू है, एक कॉर्ड उस वक्त बनेगा ना जब वो दो पॉइंट से मिलेगा, तो आपसे वह फॉर्मूला पुट कर दें, आपके पास एन है 21 कंबिनेशन और आर है आपके पास टू, आप इसे सॉल्व करें, 21 का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल, 21 माइनस टू का फैक्टोरियल 19 का फैक्टोरियल। अब मैं इसे लिख सकता हूं 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 90 का 19 का फैक्टोरियल, और इसे अगर मैं लिख दूं टू फैक्टोरियल तो टू ही होगा, टू मल्टीप्लाई वन और 19 का फैक्टोरियल, 19 का फैक्टोरियल ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये टू वन टू टू टेन टेन, ये आ जाएगा 210 डिफरेंट वेज से, अगर 21 पॉइंट्स हो तो 210 डिफरेंट वेज से आप उसे अरेंज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट देखें, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट अ कमेटी। मैंने आपसे क्या कहा था, ग्रुप आ सकता है, कमेटी आ सकता है, गैदरिंग आ सकता है, वो कोई ना कोई वर्ड ऐसा यूज करेगा जो गैदरिंग ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को जो शो करे। कमेटी किसे कहते हैं? ये वो कमेटी नहीं है जो हम 5-5, 10-10 हजार जमा करवाते हैं और 1 लाख 2 लाख लेते हैं। ये वो कमेटी है जो 4 लोगों मिलकर एक कॉमन एम लेकर सोसाइटी के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं, वो वाली कमेटी है। यहां देखें आपके पास 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करो और टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 10। आपके पास n आ चुका है, आपके पास r आ चुका है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह करके हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें एक परमुटेशन का है और एक कम्बिनेशन का है। आपने बताना है कि कौन सा परमुटेशन का है और कौन सा कम्बिनेशन का है। अ टीचर हैज टू सिलेक्ट सीआर रिसर्च असिस्टेंट्स एंड डिसिप्लिनरी प्रीफेक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कैन बी मेड बाय 20 स्टूडेंट्स। और यहां देखें, टीचर हैज टू मेक 3 ग्रुप। बस आगे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसने कह दिया कि ग्रुप बनाना है। तो मतलब ये परम्यूटेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या है। अब देखें उसमें उसने कहा है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, तो n हो गए 20। और उस टीचर ने कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। सीआर रिसर्च असिस्टेंट और डिसिप्लिनरी प्रीफेक्ट, आर आपके पास 3 है, आप इसे सॉल्व कर लें। और इस क्वेश्चन में देखें, टीचर हैज टू मेक 3 ग्रुप्स। आपके पास टू पार्टिसिपेट इन असेंबली फ्रॉम 20 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ग्रुप्स आर मेड। यहाँ आपके पास n 20 है और r आपके पास 3 है, सेम है, लेकिन यहाँ आपका कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगना है, और सॉरी यहाँ आपका परम्यूटेशन का क्वेश्चन लगना है, यहाँ से कम्बिनेशन का क्वेश्चन लगना है। और आपको मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो 5 से डिविजिबल ना हो, वो नंबर आप बताने हैं, तो आपने वो प्रीवियस क्वेश्चन मुझे आंसर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में मेरी जान, आपकी जान, भाई जान, अलजबरा भाई जान को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज दिन आपको यही कहूंगा, अगर आप सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट अकेडमी की हैवी फीचर्स फोन नहीं कर सकते, तो सिंपल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का विजिट करें, आपके लिए बहुत आसानी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।